अच्छा, इसका ट्रिक भी यही होता है ना, एकदम ऊपर से डाला जाता है इसको। जी जी जी, जितना ज़्यादा आप हाइट इस तरीके से दीजिएगा उतना सही से एग का जो टेक्सचर है वो आता है सूप में। मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में 200-250 रुपए के आसपास में ऐसा सूप मिलता है जो यहाँ पे आपको 30-40 रुपए में दिया जा रहा है। पटना में होता क्या है कि सर, चिकन सूप में जो है आदमी जो चिली चिकन वाला जो जो पकौड़ा होता है, जो चिकन मंचूरियन वाला होता पकौड़ा होता है, आदमी सूप में आदमी उसको ले लेता है काट के। सही बात है। सर, सूप में कभी भी ऑयल का जो है सो उसमें यूज नहीं होना चाहिए। चिकन का अपना ऑयल होना चाहिए उसमें। जी, ये मेन चीज होता है सूप का। टेस्ट एक बार जो कर लेगा वो मेरे ही तरह बार बार आएगा। होटल में जाइएगा ना तो सर वहाँ पे जाकर सर जी प्योर सर जी आपको जाके सर वेस्ट सब्जी आपको नहीं मिलेगा, वेस्ट सूप। अच्छा, सर जी वो चिकन स्टॉक का जो होता है सर उसी में सर जी सब्जियां डाल देता है, वो आपका हो गया वेस्ट सूप हो गया। चूंकि सर मतलब वेजिटेरियन लोग को भी चिकन वाला पिला देते हैं स्टॉक। जी जी। तो सबसे ज्यादा मजा किसी भी वीडियो को शूट करने में तब आता है जब कुछ नया मिले, कोई नया कॉन्टेंट हो और वैसा कुछ हम लोग पहले शूट किए नहीं हो, और इसी वजह से हम लोग हमेशा तलाश करते हैं कि पटना में कुछ नया मिले, कुछ यूनिक मिले, कुछ ऐसा मिले जो कि आज से पहले ना आप लोग देखे हों ना हम लोग देखे हों। और इसी तलाश में आज हम लोग एक नए स्पॉट को ढूंढे हैं जहां पर कि मिल रहा है सूप, सिर्फ सूप और कुछ नहीं, सिर्फ सूप का दुकान है। और मेरे ख्याल से पटना में आज से पहले ऐसा कोई कार्ट नहीं था जहां पर कि सिर्फ सूप मिलता हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू से वीडियो में और एक ब्रांड न्यू सा कंटेंट लेकर आप लोगों के पास आए हैं। फिलहाल हम लोग हैं राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर पुल से आप नीचे की ओर उतरते हैं, बस नीचे उतरिए और सामने आ जाइए और ये जो कार्ट है सूप का आपको मिल जाएगा। नाम है सूप कॉर्नर और अलग अलग वैरायटीज़ का सूप यहाँ पर मिलता है। बिल्कुल नया नवेला सा जगह है, कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ आए सिर्फ सूप निकलवाएं उसे पिए इसमें मज़ा नहीं आएगा जब तक उसके पीछे का जो स्टोरी है वो नहीं देखें कि कैसे सूप को बनाया जा रहा है, कैसे यहाँ पर लाया जा रहा है और कैसे सर्व किया जा रहा है। सब कुछ जब डिटेल्ड में देखेंगे तब जाके मज़ा आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं इनके घर पर और दिखाते हैं आपको कि कैसे सूप को बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, फिर हम लोग आएंगे यहाँ और बाकी का जो कार्यक्रम है आने के बाद आपको दिखाएंगे। वेज सूप को रेडी किया जा रहा है और पैरेलली इधर देख सकते हैं कि ये हो रहा है चिकन सूप। तो भैया इसमें क्या क्या डाले हैं अभी तक? ये देखिए अभी कुछ नहीं, अभी से सब्जी का पानी है ना, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी इसमें ये वाले में सिर्फ पानी है? हाँ, वेजिटेबल पानी है वो। वेजिटेबल पानी? जी जी। इसमें मतलब इसका क्या मतलब हुआ वेजिटेबल पानी? इसके सर जी सूप बनेगा सर इसका। नहीं नहीं, मतलब इसमें क्या क्या डाले हैं? कुछ तो डाले होंगे। कुछ भी नहीं सर, अभी सर उसके अंदर कुछ भी डाला हुआ नहीं है। वैसे इसमें डालने वाले हैं, आपके सामने डालने वाले हैं, देखिए। अच्छा, ये सब ब्लैक पेपर है। पेपर, तो ये वेजिटेबल पानी का मतलब नहीं समझे, इसमें क्या मतलब? वेजिटेबल का कुछ स्टॉक वगैरह है? जी 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 जी, स्टॉक है। जी जी, स्टॉक है सर ये। अच्छा, मतलब बॉइल किए हैं वेजिटेबल को इसमें? जी जी जी। हाँ, वही पूछ रहा था सर। ये सर ब्लैक पेपर है सर। अच्छा, अब ऊपर से गया थोड़ा सा ब्लैक पेपर। जी सर, ये सर चिकन स्टॉक है सर। अच्छा, इसमें है चिकन स्टॉक, मतलब चिकन को बॉइल करके निकाल लिए? जी 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 जी। और कितने देर करते हैं बॉइल? सर 2.5 घंटे सर मिनिमम। अच्छा, 2.5 घंटे तक चिकन को बॉईल किया जाता है? जी 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 जी। और क्या क्वांटिटी में बनाते हैं सर जी? ये सर जी लगभग सर जी 100 सूप बनता है अभी। मतलब कितना किलो चिकन सर? 4 किलो चिकन। 4 किलो चिकन लगभग रहता है? जी जी। तो 4 किलो चिकन को इसमें 2.5 घंटे तक बॉईल किया गया है? जी जी। और उसके बाद चिकन को निकाल लिया गया है। ये प्रॉपर जो चिकन का स्टॉक है वो आप देख सकते हैं और इधर जो है प्रॉपर वेजिटेबल का स्टॉक है। और ये क्या जा रहा है? ये सर नमक है सर। नेक्स्ट जा रहा है ऊपर से नमक। नमक वमक अभी तक कुछ नहीं डाला गया था, बस वेजिटेबल को बॉईल किया गया। जी जी जी। इसमें भी नमक है सर। तो आप बता रहे थे कि आप इस लाइन में पहले भी काम कर चुके हैं? जी, चंडीगढ़ में थे सर पहले सर हम। अच्छा जी सर, हमारा सर जी वहाँ भी सर हमारा काम था। मतलब चंडीगढ़ में सूप का ही काम था? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, तो उसमें आप बता रहे थे कि वो लोग क्या करते थे, मतलब वेज में भी चिकन स्टॉक दे देते थे सर जी? वहाँ सर जी होटल के एक्चुअली के सर जी वहाँ जो है ना कि सर किसी होटल में जाइएगा ना तो सर वहाँ पे जाकर सर जी प्योर सर जी आपको जाके सर वेस्ट सब्जी आपको नहीं मिलेगा, वेस्ट सूप। अच्छा, सर जी वो चिकन स्टॉक का जो होता है सर उसी में सर जी सब्जियाँ डाल देता है, वो आपका हो गया वेस्ट सूप हो गया। चूँकि सर वेजिटेरियन लोग को भी चिकन वाला पिला देते थे स्टॉक? जी जी जी। अच्छा, सब कुछ इसमें डाल दिए, ब्लैक पेपर नमक वगैरह, अब इसको फिर से बॉइल करना है? जी जी। और सर जी उबलेगा सर ये? और अब कितना देर उबलने वाला है सर? उसके सर जी 5-7 मिनट मैक्सिमम। 5-7 मिनट। जी सर, मेन जो काम रहता है वो चिकन को डाल के उसका स्टॉक बनाना, वही मेन काम रहता है? जी जी जी। अच्छा, तो आप लोग पटना में कितने दिन से हैं? तो सर जी पटना में जी हम 1.5 महीने से सर। 1.5 महीने से? ग्राउंड फ्लोर? जी सर, ये ग्राउंड फ्लोर है सर। ग्राउंड फ्लोर का जो पानी है वो रेडी करके इस तरह से रखा गया, मिक्स करके ग्राउंड फ्लोर को पानी में, और नेक्स्ट थोड़ा सा ये जाएगा सूप। लेकिन सर अभी ऐसा जी ग्राउंड फ्लोर है, सूप में जो थिक वाला जो टेक्सचर आता है वो इसी की वजह से आता है, कॉर्नफ्लोर जो डालते हैं उसी से आता है। ट्यूजडे थर्सडे सर जी उस दिन से आदमी का वेजिटेबल का होता है। अच्छा, बाकी सब नॉनवेज का होता है? बाकी दिन मतलब नॉनवेज का ज़्यादा डिमांड होता जी, है।
और आप यही दो तरह का सूप बेचते हैं, चिकन और वेज? जी अभी फिलहाल सर जी यही है। सर जी एक्स्ट्रा सर जी हम लोग का सर जी वहाँ स्पेस बनता नहीं हम लोगों का, हाँ जगह का दिक्कत थोड़ा होता है। जी 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 जी। भैया कि लोग वहाँ पे आपका वेट करते हैं सूप पीने के लिए? सर जी सर्दियों में सर जी होता क्या है सर जी, उसमें सर जी आदमी वेट करते हैं सर कि चूँकि सर जी सर्दियों में हमारा दुकान लगता है 2:30 बजे। अच्छा। और कुछ कस्टमर तो वहाँ वेट करते हैं भैया कि भैया आएंगे उसके बाद हम सूप पी के जाएंगे। अच्छा, है ना? आपके पहुँचने से पहले वो लोग वहाँ पहुँचे रहते हैं। ये क्या हो गया, अंडा? जी सर। अच्छा, कितना अंडा है लगभग? ये सर 12 अंडा है सर। 12 अंडा है इसमें? जी जी। 12 अंडा को फेटे हुए हैं। जी जी, देखिए सर। और अब ये ऊपर से जा रहा है चिकन सूप में। अच्छा, इसका ट्रिक भी यही होता है ना, एकदम ऊपर से डाला जाता है इसको। जी जी जी। जितना ज़्यादा आप हाइट इस तरीके से दीजिएगा उतना सही से एग का जो टेक्सचर है वो आता है सूप। सोया सॉस जी सर। थोड़ा सा जी इसे थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये जाएगा अब सोया सॉस सर, वेजिटेबल वेज सूप। हम देख रहे हैं कि आप दोनों का वो जो चम्मच है वो भी अलग रखे हैं। जी जी जी, सब कुछ अलग। वेज का अलग है, चिकन का अलग है, कुछ मिक्सिंग नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, अब जाएगा ऊपर से विनेगर। जी जी। अच्छा, इतने क्वांटिटी में विनेगर जाता है? जी जी जी। ये सर चिली सॉस है। ये सूप का कोई मतलब नाम भी है, हॉट एंड सार सूप? सर ये सर जी चिकन स्वीट कॉर्न सूप है। स्वीट कॉर्न सूप है? अच्छा अच्छा। ये सर जी आपका सूप तैयार हो गया सर जी। स्वीट कॉर्न सर जी हमने रखा हुआ अलग से डाला हुआ इसमें। स्वीट कॉर्न अलग से रखे हुए हैं, चिकन स्टॉक रेडी। इधर देख सकते हैं कि इधर जो है ये हो गया स्वीट कॉर्न, इधर जो है ये हो गया वेजीज, और इसी को यूज करके वो वेज वाला स्टॉक रेडी किए थे। भैया क्या क्या है इसमें वेजीज में? सर उसमें जो है आपको सब गाजर है, बीन्स है, ठीक है, बंद गोभी है, ब्रोकली भी लगता है। जी जी। वाह, ब्रोकली सब यूज कर रहे हैं, मतलब स्ट्रीट पे सूप मिल रहा है बट वो चीज होने वाला है एकदम रेस्टोरेंट वाला। और आप तो बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट से भी बेटर होने वाला है। जी जी जी। क्योंकि रेस्टोरेंट में आपका कहना है कि लोग चिकन स्टॉक पिला देते हैं वेज सूप में। जी 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 जी। सर जी ये कस्टमर का सर जी पता नहीं होता है सर जी, वो चूंकि सर जी की सर किचन में जाना अलाउड नहीं होता है किसी के लिए। सही बात है, है ना? उन लोगों को क्या पता कि वो वेज का स्टॉक है, चिकन स्टॉक है, या पानी है, या क्या है। इधर जो है ये हो गया चिकन जिसको कि आप पानी में बॉईल किए हैं। जी जी। और 2.5 घंटे तक ये चिकन जो है ये बॉईल हुआ है। देखिए सर, ये सर चिकन कट रहा है। अच्छा, ये ऊपर से डालते होंगे सूप में? जी जी। तो ये मतलब क्या पूरा बोनलेस लाते हैं? हम सर जी चिकन पूरा लेकर आते हैं, उसको सब बोनलेस करते हैं। अच्छा, फिर उसको सब सर उसमें सब डालते हैं चिकन में। अच्छा, आप फुल चिकन लाते हैं और बोनलेस खुद से करते हैं? जी जी जी, ठीक है सर। तो ये जो सारा चिकन जो है ये आप देख रहे हैं ये पानी में ऑलरेडी बॉइल्ड है, और इसमें कुछ डाले नहीं थे, मतलब हल्दी नमक वगैरह कुछ भी? इसमें सर जी सॉल्ट होता है सर। सॉल्ट डालते हैं? जी जी। बाकी सर कुछ नहीं होता है? बाकी कुछ नहीं, बस पानी नमक और चिकन को डाल के बॉइल किए थे। सर जी यहाँ होता क्या है सर जी, सर पटना में होता क्या है कि सर जी चिकन सूप में जो है आदमी जो चिली चिकन वाला जो पकौड़ा होता है, जो चिकन मंचूरियन वाला होता पकौड़ा होता है, आदमी सूप में आदमी उसको ले लेता है काट के। सही बात है। सर जी सूप में कभी भी ऑयल का जो है सो उसमें यूज नहीं होना चाहिए, चिकन का अपना ऑयल होना चाहिए उसमें। जी जी, ये मेन चीज होता है सूप का। और आपका स्टॉक में हम लोग देखे भी ऊपर से जो तेल जो है दिख रहा था बट वो चिकन का अपना तेल था। जी जी जी। और जो वेजीज वगैरह है ये ऑलरेडी तैयार है। एक बार सारा चिकन जब कट जाएगा फिर भैया काट पे जाने वाले हैं ना? जी जी। 4 बजे से आपका टाइमिंग होता है? जी जी, हमारा सर 4 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक। 9 बजे सर हमारा। जी 9 बजे सर जी वहाँ पे बहुत कमी होते हैं सर जी, उससे पहले हमारा सर जी सारा माल खत्म हो जाता है। वो शाम का 4 बज चुका है, काट वाट जो है लग गया है, सब कुछ सेट हो गया है, सारा कुछ भैया तैयार है अब, मतलब कस्टमर को देने के पोजीशन में आ गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब हम लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ग्लास है वो रेडी किया जाता है, क्या क्या डालते हैं यहाँ पर, कैसे जो फिनिशिंग टच है वो देते हैं। इधर देख सकते हैं कि जो सारा ग्लास है वो पहले से ही भैया रेडी करके रखते हैं। इधर हो गया क्या भैया वेज? हाँ जी, इधर वेज है। अच्छा, उधर चिकन है। ये हो गया चिकन, उधर हो गया वेज, और ये जो है ये हम लोग दिखाए थे कि चिकन को कैसे कटवट कर रहे थे। चिकन हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, और ये जो है वेजीज हो गया। पहले जो है चिकन को डाला जाएगा ग्लास में। ये गया चिकन, तो सब ग्लास में आप पहले से भर के रखते हैं? हाँ जी हाँ जी, डाल रहे हैं। अच्छा, ये गया चिकन में स्वीट कॉर्न। जी सर। तो दो ऑप्शन है ना आपके पास, एक चिकन सूप, एक चिकन स्वीट कॉर्न। जी 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 जी। क्या रेट है दोनों का? सर चिकन सूप सर जी 40 का है, चिकन स्वीट कॉर्न 50 का है। अच्छा, 10 रुपये का अंतर है दोनों में। जी जी जी। ठीक, हम लोग का स्वीट कॉर्न बना दीजिए। जी जी। अब सर हम डाल रहे हैं, सर हम डाल रहे हैं, देखिए ये डाल रहे हैं सिरके वाली प्याज। ये कौन सी प्याज है, सिरका वाली? जी जी जी। अच्छा, ये अदरक को पानी में डाल के लाते हैं? सिरका में सर। अच्छा, ये भी सिरका में? जी जी। ठीक ठीक है सर, ये हो गया। अच्छा, ये भी सिरका में? लहसुन? जी जी, ये सर लहसुन है।
चिली सॉस है। अच्छा, अब हो गया चिली सॉस। चिली विनेगर है। चिली विनेगर? जी जी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ये चिली विनेगर। तो आप कमेंट करके बताइए पटना में अभी इस तरीके का कोई सूप का कार्ट आप पहले देखे हैं कि नहीं। और ये हो गया चिकन स्टॉक। जी जी, इसमें की चिकन भी है और एग भी है। जी जी, अब ये देखिए सर, ये हम देख रहे हैं कि अभी आप कार्ट खोले हैं, बनाना स्टार्ट किए, कस्टमर लोग पहले से ही आके खड़े हैं यहाँ पर। इधर भी देख सकते हैं कि लोग मतलब पहले से ही आके खड़े हैं और चार पांच गिलास अभी तक इनको ऑलरेडी निकल चुका है सेटअप पड़ने से पहले ही। और अब जाएगा ऊपर से चिकन। जी, ये एक्स्ट्रा चिकन है सर। एक्स्ट्रा चिकन इसमें लगता है एक्स्ट्रा चिकन है मतलब नहीं समझा सर। ये चिकन स्वीट कॉर्न में हाँ एक लेवल सर चिकन नीचे हो गया। अच्छा अच्छा, स्वीट कॉर्न हो गया। फिर सर जो भी है अदरक लहसुन प्याज है वो डाला गया। फिर सर सूप डाले हुए हैं। फिर सर चिकन डाले हुए हैं। इसका 50 रुपये रेट हो गया। जी, ये मतलब 50 रुपये का ग्लास रेडी। जी, और अगर स्वीट कॉर्न नहीं लेते हैं तो ऊपर से चिकन नहीं आता। नहीं आएगा सर। अच्छा, ये सर मतलब बेनिफिट है कि 10 रुपये ज़्यादा देके स्वीट कॉर्न लीजिए आप। ये सर ब्लैक पेपर है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट गया ब्लैक पेपर। अब सर सूप तैयार हो गया आपका। सूप तैयार हो गया। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वेज सूप भी पी सकते हैं। ये देख सकते हैं कि सारा वेजीज का जो बनाया गया है इसे पानी में बॉयल किए हैं। ब्रोकली वोकली सारा कुछ है, वो सब आपको दिखाए थे। बाकी का प्रोसेस सेम होने वाला है, स्वीट कॉर्न जाएगा और बस वही सब चीज़, सिरके वाला प्याज, सिरके वाला लहसुन, सिरके वाला अदरक और सिरके वाला मिर्च। सब खड़े हैं जब से हमने दुकान खोला हुआ, ये पर डे कंटिन्यू आते हैं। अच्छा, आप हर रोज पीते हैं सूप? हर रोज एकदम, जिस दिन से ये खुला है लगता है लगभग 1-1.5 महीना हुआ है। अच्छा, फर्स्ट डे भी हम यहाँ पे थे और पर डे चूँकि मेरा ऑफिस से जाने का रास्ता ही होता है तो यहाँ जरूर रुक के पीते हैं। दुकान की इनॉग्रेशन आप ही किए हैं, उसके बाद अभी तक मेंटेन है। इनॉग्रेशन के दिन मैं था यहाँ पे। और वेज सूप पीते हैं या चिकन सूप? सिर्फ आप वेजिटेरियन है? हाँ, अच्छा लगता है टेस्ट वगैरह? तो जो टेस्ट पहला दिन था ना वो कंटिन्यूस वही रहा, आज तक वही है, इसीलिए बार बार आते हैं। और एक यूनिक टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है, प्लस चीज़ भी यूनिक है। पटना में और कहीं ऐसा मिलता नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। इस तरह का टेस्ट एक बार जो कर लेगा वो मेरे ही तरह बार बार आएगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए आप सूप को। हम अभी इधर रोड से क्रॉस कर रहे थे तो हमको आप दिख गया। अच्छा, फिर हम वापस आए हैं कि आप हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, तो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा था, अभी तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, और आज पहली बार यहाँ आए भी है। अच्छा, जगह को देखे हम हैं पहले भी लेकिन यहाँ रुके नहीं थे कभी। हाँ, हम लोग भी बहुत दिन से देख रहे थे, बहुत दिन से सोचे थे कि यहाँ आना है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ आना वर्थ है हर किसी का। हाँ, अभी तो लग रहा है टेस्ट करके तो लग रहा है। चिकन सूप ट्राई कर रहे हैं? हाँ, हम चिकन सूप ट्राई कर रहे हैं। आप वेज कर रहे हैं, वेज कैसा है? वेज बहुत अल्टीमेट, जितना कंसिस्टेंसी और जिस रेट में और जितना कंटेंट, मतलब स्वीट कॉर्न है, ब्रोकली है, हर चीज़। ब्रोकली मतलब सड़क पे सूप मिल रहा है और ब्रोकली डाल रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा है, इस रेट में तो कहीं नहीं ऐसा मिलेगा पटना में, कहीं ऐसा सूप का काट ही नहीं है। बहुत न्यू चीज़ है ये पटना के लिए। ये तो है, ये चीज़ है। और ऐसा कंसिस्टेंसी भी सूप का जो यहाँ एकदम थिक कंसिस्टेंसी है तो ऐसा भी नहीं मिलता है जनरली। सही बात है। इसके लिए मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में 200-250 रुपए के आसपास में ऐसा सूप मिलता है जो यहाँ पे आपको 30-40 रुपए में दिया जा रहा है। मतलब लोकल रेट पे मिल रहा है जो खा सकते पी सकते। वो इस ठंड के मौसम में ट्राई करते हैं गर्मा गर्म चिकन सूप। चले जाइए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट सूप को पी के ही जाना है यहाँ से। क्या क्या डाला गया है आप देख सकते हैं, ऊपर में ब्लैक पेपर है, चिकन है, चिकन का बड़ा सही क्वांटिटी है। मतलब नीचे भी एक लेयर चिकन का था, ऊपर भी चिकन को डाला गया है, स्वीट कॉर्न डाला गया है। किया जाए फटाफट से ट्राई। हाँ, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बहुत सही स्वाद, बहुत सही, एकदम एक्चुअल जो चिकन स्टॉक का टेस्ट है वो आ रहा है इसमें। जो 2.5 घंटे तक भैया चिकन को बॉयल किए हैं इस पानी में, उस वजह से ये जो पानी है ये पानी नहीं रहा, ये बन चुका है चिकन स्टॉक और बहुत ज़बरदस्त सा स्वाद आ रहा है। कोई तेल का यूज़ नहीं किया गया है, जो चिकन का नेचुरल ऑयल होता है, मतलब चिकन का जो खुद का ऑयल होता है उसका टेस्ट आ रहा है। ज़बरदस्त स्वाद है, ज़बरदस्त। बीच में आएगा ज़रा सा आपको क्रंच, वो स्वीट कॉर्न का हल्का सा मिठास जो है वो आपको दे के जाएगा। उसके बाद जो है ये बॉयल्ड चिकन का टेस्ट आएगा, उसका भी एक अपना स्वाद है और इसको मतलब खा के मज़ा आ जाएगा आपको। खा के कहिए या पी के कहिए, जो कहिए, कुछ भी कीजिए, मज़ा आना फिक्स है। साथ ही साथ जो प्याज डाले हैं उसका भी स्वाद आ रहा है, सिरका वाला प्याज वगैरह है। एक सिप और लिया जाए, सिप क्या मतलब एक बाइट और लिया जाए। बहुत सही है, बहुत सही है। हल्का सा मेरे हिसाब से ब्लैक पेपर का कमी और थोड़ा रहना चाहिए,
चूँकि हम लोग थोड़ा तीखा पसंद करते हैं इसलिए थोड़ा सा और ज़रूरत है, नॉर्मल कोई पीने वाले हैं तो उनके लिए ये परफेक्ट है। तो थोड़ा सा हम चले ऊपर से ब्लैक पेपर डलवाते हैं और इस सूप को इन्जॉय करते हैं। आप वीडियो इन्जॉय किए कि नहीं ये कॉमेंट सेक्शन में बताइए, सूप बनाना सीखे कि नहीं ये कॉमेंट सेक्शन में बताइए। कभी भी दिल करे सूप पीने का यहाँ आइए और सूप को पी के जाइए, 50 रुपये में दिल खुश कर देगा ये सूप आपका। खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।